12 बज चुके हैं और पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। क्यों? क्योंकि पेपर आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, क्योंकि छत से मुझे कुछ लेके आना है। छत से कहाँ पे है वो बताओ? ठीक है, तोलिए भी रख के आते हैं। और छत से मैं क्या लेके आऊंगा मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तुम भी हमारे घर से लेके चले जाना, तुम्हें चाहिए होगा तो तुम भी ले जाना, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो। अम्मा, मम्मी कह रही थी वो कहाँ है हरी सब्जी? क्या हरी सब्जी आपने वो करी? वो नहीं गया भी। कौन ले गया? जब वो तुम्हें जरा आया था हरी सब्जी लेने ऊपर, अम्मा ने निकाल रखी है पेड़ पौधे से। कौन सा पेड़ है अम्मा? वो कौन सा पेड़ है जिसमें हरी सब्जी निकलती है? कौन सा है सामने? अच्छा, बाजार से लाए हो क्या? मेरे को लगा यहाँ और योगी आप लोग निकालते थे। बुबू कौन से उससे निकालते थे? हमारे छत पे भी हरी सब्जी का पेड़ लगा हुआ था, तो अब खत्म हो गया वो, खा ली हमने सारी सारी सब्जी। हमारे छत पे बहुत सारी हरी सब्जी लगी रहती थी, इसलिए हम वो सारी खा चुके हैं। हमने हरी सब्जी खाई है सर्दियों में। ये देखो सारे पौधे खत्म हो चुके हैं, है ही नहीं उसमें कुछ, फिर भी हमने लगा रखे हैं। देखो यहाँ पे ये आम का पेड़ है, ये एक आधे फूल है। अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं दे दूंगा, अपने हाथ से दूंगा। और वो कुछ ऊपर लगे हुए हैं वो किसी और चीज के हैं। वो लहसुन के है ना अम्मा? वो जो ऊपर है वो लहसुन के है ना? हाँ, जो ऊपर है वो लहसुन के है। और वो अपना झंडा देख रहे हो, झंडा। आपको धूप नहीं चुभ रही क्या? अच्छा अच्छा, धूप चुभ रही है बहुत तेज। थोड़ी देर 5 मिनट खड़ा हुआ तब तक अच्छा लग रहा था, उसके बाद तो धूप चुभने लगी बहुत तेज। अब मैं चलता हूँ नीचे। तो अब क्या करते हैं? अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। 12 बज चुके हैं और पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। क्यों? क्योंकि पेपर आने वाले हैं। 3 तारीख से पेपर है, आज 28 तारीख होगी। 1 2 3 3 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो अब से पढ़ाई स्टार्ट। नो मजाक, अब समझ नहीं आ रहा तैयारी कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि क्या है ना 3 दिन पेपर के लिए बचे हैं और अभी तक बुक खोली नहीं, और बुक तो आई नहीं, मतलब बुक आई नहीं। अब हमें डायरेक्ट लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बहुत टेंशन है भाई, बहुत ज़्यादा। करते हैं स्टार्टअप, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं हम क्या सिलेबस है, क्या है, कैसा है। जिस सब्जेक्ट का पहला एग्जाम है उस सब्जेक्ट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये पहली बार आया है। तो अभी मेरे पास 2 बुक आई थी, एक प्रोफेशनल स्किल्स की और एक साइबर लॉ की। अभी मैं प्रोफेशनल स्किल्स वाला हमारा पहला पेपर है तो उसको लेके जाता हूँ ऊपर पढ़ने के लिए। तो एक बुक आई थी, ये मैंने इसी के अंदर रखी हुई थी अभी तक, तो आज इसका शुभारंभ कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं इसमें से और थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें से। ये देखो पूरी नई, बिल्कुल नई है, ये देखो बिल्कुल नई। 2 बुक आई हैं, सिर्फ 2 बुक। तो अभी पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में उठना पड़ा, क्योंकि भाई ने कुछ मंगाया था। अब देखते हैं क्या मंगाया क्या है। तेरा पर्स है ये है, ये है, देखते हैं। बोला है मेरा पर्स है, खोल के देखना पड़ेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वॉलेट है, ये रहा हॉर्नबुल, कल ही मंगाया था और आज आ गया। और अगर ऐसा होता तो अगर इसका जो बाहर का वो है वो ऐसा होता तो कितना गंदा लगता ना, पर अभी इसको फाड़ना पड़ेगा। ये रैपर है बाहर का, ये रहा वॉलेट, ये रहा मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया उसके ना, ये जो होता है ना ये भी उखड़ने लग गया था, तो ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो इसलिए मंगवाया है। अब अपने पुराने वॉलेट का सामान इस नए वाले वॉलेट में डाल दूंगा, तो खैर ये सब अलग बात है। नाउ बैक टू बेसिक्स, स्टार्ट पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं यार, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स का पेपर है, तो इसमें एक बार पढ़ लिया ना तो फिर अपना बना के लिख सकते हैं हम, मतलब ऐसा रट्टे मारने वाला कोई सीन नहीं है। अब जरा खाना खा लिया जाए, क्योंकि क्या है ना पढ़ते पढ़ते ज़्यादा नींद आ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, जब बुक सामने आ रही है ना ऐसे में पढ़ रहा हूँ और ऐसे नींद आ रही है। पर क्या था, पढ़ना तो है ही, क्योंकि 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट है, पढ़ना पड़ेगा वरना फेल हो जाएंगे यार, और फेल होना नहीं है, बस यही है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ पार्क से, और मैं पार्क इसलिए गया था, मतलब पार्क गया तो इसलिए ही था, पर मेरा जो हाथ है ना वो मेरा हाथ ठीक नहीं है, इस वजह से आज मैं जल्दी भी आ गया, पेट्रोल भी भरा के आ गया। बाइक में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, जो लास्ट लाइन होती है ना वो ब्लिंक कर रही थी, मैं सोचा चलता हूँ और बाइक में पेट्रोल भी भरा आता हूँ। आज सुबह तो मैं डॉक्टर के पास जाने की सोच रहा था, पर वो यार रात को लेट सो है, नींद नहीं खुली, तो इस वजह से मैं गया नहीं। चलते चलते, अच्छा चलते चलते करो बंद, चलते चलते जाऊँ। अच्छा चलो, अब चलते चलते ऊपर जाते हैं और गेट कुंडी लगाते हैं ऊपर वाले दरवाजे को। मैंने आज एक डिसीजन लिया है, वैसे मेरे डिसीजन फेल ही होते जो भी मैं रेजोल्यूशन लेता हूँ, डिसीजन क्या रेजोल्यूशन लेता हूँ। जैसे मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था, क्या कहते हैं कि मैं बाहर का खाना छोड़ दूंगा, वो नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। और था जो दूसरा अब ले रहा हूँ कि मैं अब खेलना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मतलब पेन स्टार्ट हो गया मेरे हाथ में। पहले गेट लगा देते हैं यार। तो कल मैंने एक थ्रो फेंका था, इस वजह से मेरा हाथ, मेरा शोल्डर पेन कर रहा है,
तो मैं अब जब तक ये शोल्डर ठीक नहीं होगा तब तक मैं खेलने जाऊंगा ही नहीं। पता क्या होता है मैं क्यों चले जाता हूँ, क्योंकि ये लोग सारे आ जाते हैं घर के आगे और फिर क्या करता है मूड मेरा भी बनता है कि मैं भी खेलने जाऊँ, क्योंकि ये सारे बात कर रहे होते हैं तो इस वजह से मेरा मूड चेंज हो जाता है और मैं चले जाता हूँ। वरना मैं रात तक ये सोचता हूँ कि नहीं जाऊँगा और फिर मैं चले जाता हूँ, पर अब मैं क्या करूँगा संडे की सुबह ही निकल जाऊँगा घर से, 6-7 बजे निकल जाऊँगा घर से और फिर मैं इनको देखूँगा नहीं तो मेरा मूड चेंज होगा नहीं, तो ऐसा करूँगा मैं। सांस फूल गई मेरी बोलते बोलते। अब जरा ओट्स पड़े थे वो खा ले थोड़े से। तो ये योगेश है और इससे मैं कुछ बात करने आया हूँ, तो बताना चाहेगा क्या बात करने वाले हैं कि नहीं बताना चाहेगा, बता, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेगा है। तो अभी जो थोड़ी अर्जेंट बात है वो हम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है वो, उसके बाद अभी जाते हैं तो कहीं मिलते हैं फिर दोबारा। और ये दिल है कि मानता नहीं आज हम फिर कुछ खाने आ गए, क्योंकि ये पापी पेट है ना जो वो कभी नहीं मानता। अगर रुक जा अभी फिलिंग बंडल में और हम तीन बंदे आ रखे हैं। तो मोटे क्या लगा तेरे को, कुछ बोलना चाहेगा बता भाई हैं? कुछ नहीं, योगेश तो वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा। देख रहे हो कबूतर ने इतना परेशान कर दिया कि वो अभी तक टाइम, अभी पता है क्या हो रहा है, टाइम क्या हो गया, टाइम 9:30 हो गए और अभी तक ना वो वॉशरूम में बैठा हुआ था। चाचा वॉशरूम में गए थे तो फड़फड़ाने लग गए, चाचा को डर लग गई, चाचा आ गए भागते हुए नीचे, तो अभी हमने उसको यहाँ से उड़ा दिया है क्योंकि वो बैठा हुआ था और उसने पूरा गंद मचा दिया टॉयलेट में। तो अभी सफाई चल रही है, साफ कर रहे हैं अभी वॉशरूम। तो देख रहे हो कबूतर ने दिन में तो परेशान कर ही रखा था, रात को अलग परेशान कर दिया। तो मैं तो नीचे पढ़ाई कर रहा था और भाई आया नीचे बताने, तो मैं ऊपर आ गया देखने। तो अब थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, 15-20 मिनट 20-25 मिनट 10 बज जाएंगे, फिर हमारा खाने का टाइम हो जाएगा, फिर खाना खाने चलेंगे। मम्मी कल तो शिवरात्रि है ना, मंदिर जाओगे सुबह? मंदिर जाओगे? मैं सुबह जाऊँगा हनुमान मंदिर, ठीक है ना। कल शिवरात्रि है, कल मंगलवार भी है, कल जाएंगे मंदिर, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, जैसा आपने कहा था कि हर मंगलवार सुबह सुबह हम जाएंगे कनॉट प्लेस मंदिर। टाइम हो चुका है 10:41 और अब चलते हैं ऊपर, एडिटिंग करेंगे और फिर सो जाएंगे जल्दी ताकि सुबह जल्दी उठ जाए। जा रहा हूँ मैं ऊपर, तो मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।